नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप गंगवार स्वागत करता हूं आपका आज के पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एजेक्स कंट्रोल्स के टूल किट को विजुअल स्टूडियो में अपने इंक्लूड कैसे करें, ऐड कैसे करें टूल बॉक्स में। सबसे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देता हूँ, व्हाट आर एजेक्स कंट्रोल्स। देखिए, एजेक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन है HTML, CSS, XHTML, DHTML और हमारा एक्सएमएल और जावा स्क्रिप्ट, इन सबको मिला के, इन चीज़ों को मिला के टूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि आप देखते हो ना, कोई भी आपके टूल्स होते हैं, कॉम्बो बॉक्स होता है, बटन होता है, लेबल होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये सारे टूल्स हमारे कोई तो बनाया है ना, हम यूज़ कर रहे हैं बने बनाए, तो पहले जो बना रखे हैं वो इस टेक्नोलॉजी से, इन चीज़ों से मिलके वो टूल्स बना रखे हैं, जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं आसानी से। विजुअल स्टूडियो चलते हैं हम। ये देखिए हमारा विजुअल स्टूडियो, यहाँ जो हमारा ये टूल बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, हमें स्टैंडर्ड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बहुत सारे एजेक्स के कुछ एक्सटेंशंस कंट्रोल्स हैं, बहुत कम है। कई बार ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें ऐसे टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अकॉर्डियन है, बबल चार्ट है, कॉम्बो बॉक्स है, पैनल है, या फिर हम ऐसा चाहते हैं कि कई बार आपने देखा होगा वेबसाइट पे, जैसे आप लॉग इन या साइन अप पे कहीं क्लिक करते हैं, आपका फुल वेब फॉर्म ना खुल के एक छोटी सी स्क्रीन बीच में विंडो खुलती है, उसमें आप लॉग इन पासवर्ड चेंज या कुछ ऐसा भर देते हैं, पासवर्ड चेंज का भी छोटा सा विंडो हो सकता है, यानी छोटा वेब फॉर्म हो सकता है, लॉग इन साइन अप फॉरगेट पासवर्ड, तो इन चीज़ों के लिए हमें छोटे वेब फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमें एजेक्स के ही टूल्स चाहिए, ठीक है, अपने पैनल्स वगैरह। तो बहुत से एजेक्स टूल्स हमें डाउनलोड करने बहुत ज़रूरी हैं, जिनसे हम बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं और वो हम यूज कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ नहीं, बस गूगल पे जाइए, यहाँ लिख दीजिए डाउनलोड एजेक्स कंट्रोल टूल किट, और उसके बाद आपको देखेंगे, आप किसी दूसरे सोर्स से ना डाउनलोड करें, आप एजेक्स टूल किट बाइनरी, आपको दिख रहा है, आपको एजेक्स की ही वेबसाइट है, आप बस इस पर क्लिक कर दें। देखिए, जैसे ही आपने उस पर क्लिक करा, डाउनलोडिंग लिखा हुआ आ गया और मेरा ये डाउनलोड मैनेजर मुझसे पूछ रहा है कि डाउनलोड करूं कि नहीं, ठीक है ना, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूं, एक जिप फाइल डाउनलोड होती है इससे, ठीक है, मैं इसे बंद कर देता हूं। ये देखिए, ऐसी एक जिप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, एजेक्स कंट्रोल टूल किट बाइनरी .NET फ्रेमवर्क, जो भी एकदम लेटेस्ट फ्रेमवर्क होगा उसके लिए, ठीक है। बस आप इसको राइट क्लिक करें और ये एक्सट्रैक्ट वाला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन चूज कर लें, तो ऐसा फोल्डर आपका नॉर्मल बन के आ जाएगा, फिर आप इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, इसकी कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये फोल्डर जैसे ही आपके सामने आएगा, तो यहाँ बहुत सारी फाइलें होंगी, आपको समझ नहीं आएगा मैं विजुअल स्टूडियो में कैसे ऐड करूँ इनको, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीके हैं इसमें। आपको देख रहे हैं आप, एक DLL फाइल है हमारी, ठीक है, ये डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी हमारी होती है, जिसमें ऑलरेडी बनी हुई क्लासेस वगैरह रखी हुई हैं DLL में, ठीक है। तो इस DLL को हमें ऐड करना है, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उसमें हमें क्या करना है, बस हमें टूल बॉक्स में जाना है, ठीक है ना, और टूल बॉक्स आपको ये दिखेगा अपना विजुअल स्टूडियो में, टूल बॉक्स में आप खाली जगह पे, ये सारे टूल्स हैं आपके, मैंने इनको कोलैप्स कर रखा है, आप इसमें खाली जगह पर राइट क्लिक करिए और न्यू टैब ऐड कर लीजिए, जैसे कि HTML वेब, इनके टैब है ना, और इनके अंदर टूल्स हैं, तो ऐसा ही हम एक टैब ऐड कर रहे हैं, और इसका नाम रख देता हूँ मैं एजेक्स कंट्रोल टूल्स, ये आ गया हमारा। देखिए, अब इसको मैं एक्सपेंड करना है, यहाँ कुछ भी आपको नहीं दिख रहा, देर आर नो यूजेबल कंट्रोल्स इन दिस ग्रुप। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप देखिए, फिर से बता रहा हूँ मैं, हमने डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया हमारा फोल्डर, वो वहीं रखा हुआ है। सेकंड स्टेप हमने क्या करा, टैब ऐड करा, अब हम इस खाली जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, चूज आइटम्स पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए आप, जैसे आप चूज आइटम पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, चूज टूल बॉक्स आइटम्स, लोडिंग आइटम्स, सारी DLLs को चेक कर रहा है और आइटम्स हमारे लोड कर रहा है, इसको करने दीजिए, ये लोड कर लेगा, उसके बाद आगे का प्रोसीजर बताऊंगा मैं आपको। ये हमारे सारे आइटम्स लोड हो गए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्राउज पे क्लिक करना है, ठीक है ना, हमें अपनी जो हमने डाउनलोड करी थी ना DLL, ये देखिए हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है, और इस फोल्डर के अंदर हमें वो DLL सर्च करनी है, ये रहा एजेक्स कंट्रोल टूल किट .DLL, ध्यान रखना है इसको, बस ये आपको ऐड करना है, उस DLL की सारी हमें ये अभी टूल्स हमें यहाँ पे शो करेगा, और उनको फिर हम
चूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे सामने आ गया। जैसे मैंने बताया आपको, अकॉर्डियन बहुत अच्छा होता है। अकॉर्डियन इसने क्या कर रखा है, बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट कर रखे हैं जो जनरल टूल्स होते हैं। बाकी इनमें से आपको कोई एक्स्ट्रा अगर ज़रूरत है, आप इसीलिए इसको ऐड कर रहे हैं कि हाँ मुझे ये वाला चाहिए था, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे हैं। देखिए बबल चार्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बुलेटेड लिस्ट के बटन हैं, कैलेंडर है। कैलेंडर हमारा .NET वाला भी अच्छा टूल है वो भी। ये देखिए मॉडल पॉपअप एक्सटेंडर, जो मैं आपको बता रहा था ना, छोटी सी पॉपअप विंडो खुले, जैसी हमारी ये खुली हुई है, बीच में हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट की लॉग इन पेज या फॉरगेट पासवर्ड वगैरह का कोई भी ऐसी हम चाहते हैं, तो ये मॉडल पॉपअप वाला आपको चाहिए। ये देखो पैनल आ गए, बस हमें ये चाहिए जो है इसमें ऑलरेडी सिलेक्टेड, यही हमारे लिए काफ़ी है। तो आप जो भी आप ये सिलेक्ट कर रखे हैं आपने, और आप जाके बस इनको क्या करना है, अब आपको ऐड करना है। ठीक है, ये लीजिए, आप यहाँ क्लिक करिए और ये सिलेक्टेड आपके ऐड हो जाएंगे। और ये बोल रहा है आपके सारे ऐड हो गए। अब आप अपने टूल्स देखिए बॉस, भर के थैला भर के टूल्स हैं। इतने अच्छे अच्छे टूल्स हैं, आप बताओ रियल में बहुत मज़ा आएगा आपको इनमें। तो ये बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, एजेक्स कंट्रोल टूल्स, आप एकदम एजेक्स वाली वेबसाइट से, सिर्फ आपको एजेक्स कंट्रोल टूल लिखना है गूगल पे, एजेक्स वाली वेबसाइट से ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो खुद डाउनलोड होने लग जाएंगे टूल्स, और वो DLL जो आप एक्सट्रैक्ट करें फाइल को। नेक्स्ट स्टेप, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसमें जो DLL फाइल है वो यहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके लिए पहला काम टैब बना लो, और फिर उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करके खाली जगह पे उसी टैब के अंदर, ध्यान रखना है, अंदर खाली जगह क्लिक करके चूज अपने टूल्स कर लो, और उसके बाद वही DLL फाइल ब्राउज करो और सारे टूल्स आपके अंदर आ जाएंगे आपके विजुअल स्टूडियो में, और बस फिर आप इनको आराम से यूज़ करो। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के, और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, टैग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय।